दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल की हो रही है 2022 में, हो गई जी, हो गई। हालांकि आपकी आप सेंट स्टीफन्स में थे, सेंट स्टीफन्स उस समय तो नहीं था, इसका पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको उन दिनों की, कॉलेज के दिनों की कुछ याद है, कुछ मेमोरी? नहीं, कैसा है, सेंट स्टीफन्स नॉर्थ इंडिया में नंबर एक कॉलेज है, उनको दो राय नहीं है। अच्छा, जब मैं सन 48 में दाखिल हुआ था तो 390 स्टूडेंट्स थे, 120 रेजिडेंस में, हॉस्टल्स में, और बाकी डे स्कॉलर। तो मैंने और तीन इंग्लिशमैन स्टाफ में थे, पढ़ते थे कॉलेज में। हालांकि है क्रिश्चियन कॉलेज, मगर वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते थे कि भाई आप आ जाइए, हमारे यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता था कॉलेज को। अच्छा, दूसरे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था, तो कोई दो राज नहीं है। मैं भी कॉलेज में हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था स्टूडेंट यूनियन का, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेनिस चैम्पियन था, मैं दिल्ली स्टेट जूनियर चैम्पियन टेनिस का था, मैं फुटबॉल टीम में था, हॉकी में था, क्रिकेट में था, एथलेटिक्स में था, तो और भी ऐसे लोग थे जो थे। अच्छा, फिर दूसरे आप IAS ले लीजिए, देखिए कितने सेंसिटिव्स के लोग हैं उसमें, और किसी कॉलेज के नहीं होंगे। IFS ले लीजिए, IFS में ये हाल है, और सर्विस का लीजिए, वहाँ ये हाल है, फौज में आइए, वो भी हमारे सेंसिटिव के बहुत लोग हैं। और अब ये है कि अब कोई 1100-1200 स्टूडेंट्स हो गए हैं, दैट्स टू मच। मगर वो इतनी डिमांड है कॉलेज की, अगर मैं होता प्रिंसिपल तो मैं बढ़ने नहीं देता, 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि वेन नंबर्स इंक्रीज एक्सेलेंस सफर्स, ये हो गया। पर तब भी जो कॉलेज के रिजल्ट तो ख़राब नहीं है। अब तो चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, इसलिए मैं तो उसके हिसाब से ये जानना चाह रहा था कि जो पहला दिन रहा होगा आपका कॉलेज का, कभी आपको याद है वो मोमेंट, आप पहला दिन आप कॉलेज के अंदर घुसे? नहीं, मैं पहला दिन घुसा तो रेजिडेंस में था, मैं डेस्क पर तो था नहीं, मैं रहने वाला राजस्थान का था। आप हॉस्टल में थे? यहाँ पर तो पहले दिन से पहले दिन तो जो रैगिंग वैगिंग होती है थोड़ी सी, तो कोई किसी को कहता भाई गाना गा दीजिए, किसी को क्या गलत बस नंबर दे दिया, एक दो हफ्ते बाद खत्म हो गई। अच्छा, रैगिंग तब की ऐसी होती थी? हाँ, पर ऐसी नहीं कि कोई वायलेंट हो या कोई गलत काम किया जाए, कैसे ऐसे कैसे नहीं, सिविलाइज्ड बिल्कुल। फिर दूसरी सर हमने करी रैगिंग लोगों की। तो आपको 3 साल रहे आप? मैं 3 साल रहा था, फिर चला गया मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। फिर कभी नहीं, मैं गया हूँ काफ़ी आता, अब तो काफ़ी दिन हो गए होंगे, सब बदल गए, टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह। फिर भी आप जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? नहीं, अब तो मैं गया नहीं, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। जब तक 3-4 टीचर अब जब तक थे, तब तक मैं जाता से अबाउट 15-20 ईयर्स अगो, तो सब रिटायर हो गए, कुछ गुजर गए। पर मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद कोई 20-25 साल तक कॉन्ट्रैक्ट रखा कॉलेज के साथ, काफ़ी। आपके जिस कॉलेज से आप हैं, उस कॉलेज से तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। मुझे याद है पाकिस्तान के ज़ियाउल हक थे। हाँ? तो आपकी कभी मतलब सर्विस में या जब आप राजनीति में थे कभी मुलाकात हुई आपकी? मैं तो वहाँ पाकिस्तान में एम्बेसडर था उस समय, कोई जब आप सर्विस नहीं तो ज़ियाउल हक साहब को बड़ा फख्र था कि वो सेंट जेम्स कॉलेज में पढ़े। कभी आपकी उनसे इस बारे में मुलाकात काफी हुई, बात कोई चर्चा हुई जिसका जिक्र करना चाहे? हमेशा सेंट जेम्स कॉलेज की बात करिए तो सब वो काम छोड़ के बात करते थे कॉलेज की। उनको अब एक दफे प्रेसिडेंट
राजपाल जो उन्होंने नाम बदल कर रमजान कर लिया था से राजपाल कर लिया था, वो कोई 8-10 लड़कों को लेके पाकिस्तान के दौरे में आए थे। तो फिर मैंने प्रेसिडेंट, मेरे अच्छे ताल्लुक थे प्रेसिडेंट साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि सर सेंट स्टीवंस कॉलेज के कुछ लड़के आए हैं और एक प्रिंसिपल आए हैं, आप उनको 10 मिनट दे दीजिए। उनके 10 मिनट मैं खाना खिलाऊंगा उनको शाम का डिनर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको बताया नहीं कि तुम्हें डिनर मिल रहा है नहीं, बिल्कुल दे वे बिलीव इट। तो साहब गए डिनर के लिए, तो वहाँ बैठे 4 तो कैबिनेट मिनिस्टर, 5-6 वाइस चांसलर्स और ये लड़के, उनको पता नहीं भाई ये क्या हो रहा है हमारे लिए। और वो प्रिंसिपल एक फोटोग्राफ लाए थे, ग्रुप फोटो 1942 का, जिसमें ज़ियाउल्लाह खड़े ऊपर एक कोने के अंदर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये है फोटो, इसमें आप हैं 1940। तो वो फोटो उन्होंने यहाँ लगाया कि भाई मेरे पास तो ये था ही नहीं, मैं ये फ़ोटो की कीमत होगी 2 रुपये जी, मेरे पास 2 रुपये तो थे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसको ले आए। फिर उन लड़कों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम जा रहे हैं मोहनजोदड़ो और फिर कराची। तो कैसे जा रहे हैं आप लोग, रेलवे से जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ADC को बुलाया कि ये मेरे पर्सनल हवाई जहाज में जाएंगे सब। तो दे वेंट इन एरोप्लेन, तो वो तो भूलेंगे नहीं इसको, इसने हमारे साथ ये हमारे रिश्ते दोतरफा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अच्छे नहीं थे, पर ज़ियाउल्लाह में एक खूबी थी, इतनी तहजीब मैंने किसी में नहीं देखी। अच्छा बिल्कुल, बड़े क्रूर शासक माने जाते थे ना, इतनी तहजीब। अब मैं तो अम्बेसडर था वहाँ, तो मुझे छोड़ने आते थे कार पर, वो कहते थे सर आज देख क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा ये तो गन कि नहीं आप यहाँ आए मेरे मेहमान हैं। अरे मैं कहता अब ये है कि मेरा ड्राइवर घबरा रहा है, वो मोटर नहीं चला पाएगा, क्योंकि चिंता नहीं ये चलाएगा मोटर चलाएगा। पर फॉर एवरी बॉडी कोई भी हो ही ट्रीटेड हिम विद ग्रेट कर्टसी। कितने साल सीनियर रहे होंगे वो आपसे? नहीं वो ही लेफ्ट इन 47, आई जॉइंड इन 48। अच्छा तो चले गए पाकिस्तान चले गए ना। पैदाइश की दिल्ली में हुई थी और पढ़ाई लिखाई भी यहीं पढ़ भी यहीं हुई थी, सर टीम्स में रहे थे पढ़ने के लिए। वैसे पॉलिटिकली हमारे बहुत खिलाफ थे वो, उसमें कोई दो राय नहीं, बट पर्सनल रिलेशनशिप। अब ये जैसे ये हरदीप पुरी है ना, तो हम ये फॉरन सर्विस में थी पहले, तो हर साल गुरु नानक की बर्थडे पे एक सिख जत्था जाता था यहाँ से ननकाना साहब के लिए। फिर ननकाना साहब से जाता था इस्लामाबाद प्रेसिडेंट साहब से मिलने के लिए, तो उसमें कोई 5-6 लोग होते थे। अच्छा उनके साथ जाता था एक्सटर्नल अफेयर्स का एक अंडर सेक्रेटरी, मगर वो मेरे अम्बेसडर होने के बाद मेरे पहले कोई एम्बेसी का आदमी नहीं होता था वहाँ, जब ये लोग ज़ियाउल्लाह से मिलते थे। अच्छा ये पहले तो ये आया कि साहब वो लक्ष्मीपुरी को मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको कहने के दे औरत आ रही है, दी वॉज वेरी यू नो वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। तो मैंने कहा वो औरत की वजह से नहीं आ रही है, शी अंडर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री, तो वो तो आएगी इनको अकाउंट करने के लिए। तो फॉरेन ऑफिस से आया कि साहब वो तो नहीं आ सकती। तो मैंने कहा देखते हैं, तो मैं उसको ले गया अपने साथ लेके वहाँ। तो मुझे हमेशा कंवर साहब कहते थे, उस दिन फर्स्ट डे मिस्टर एम्बेसडर का। अच्छा पहले आपको कंवर साहब कहते? हाँ हमेशा पहले मिस्टर एम्बेसडर का। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, इसको तो नाराज है पर, और मैं लक्ष्मीपुरी को कम्प्लीटली इग्नोर किया। फिर उन्होंने चाय वाय बुलाया था सबको, तो हम लोग चले गए, उस जत्था भी आ गया वहाँ, और मैं पुरी को मैंने ज़ियाउल्लाह भी आए उधर बैठे, तो मैंने पुरी को अपने बगल में बैठा लिया लक्ष्मीपुरी को। फिर मैंने देखा कि वहाँ से एक ADC आ रहा है हमारी तरफ, तो मैंने कहा ये इस लक्ष्मीपुरी को बाहर ले जाएगा,
तो ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा इसके साथ। नहीं सर वो बाहर नहीं है, मैंने वहाँ देखा कि बेगम जिया उलगन ने चाय तैयार कर रखी है लक्ष्मीपुरी के लिए। तो मैं आई मेड माय पॉइंट, ही मेड हिज पॉइंट, दोनों चीजें हो गई। हाँ हो गई। तो इसमें तो यू कांट फॉरगेट। बिल्कुल। अब बात चल पड़ी है तो मैं मतलब ये भी पूछूंगा आपसे कि अब तो आप कम से कम 3 साल रहे होंगे वहाँ पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में था 2 साल, क्योंकि फिर मुझे यहाँ इंदिरा जी ने यहाँ बुला लिया जी, क्योंकि वो नंदनारायण सम्मेलन होने वाला था और फिर होने वाली थी कॉमनवेल्थ समिट, तो मुझे बना दिया सेक्रेटरी जनरल नॉनलाइन समिट का और फिर बना दिया उसके चीफ कोऑर्डिनेटर। आई केम बैक, नॉर्मली 3 साल रहते हैं। तो मुझे कैसा रहा आपका अनुभव वहाँ का? जियाउल हक साहब का तो बताया आपने। देखिए बड़ी चैलेंजिंग पोस्ट है क्योंकि सबकी निगाहें इंडियन एम्बेसडर पे हैं वहाँ, देखभाल देखते रहते हैं आपके पीछे कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। और सिवा अफसरों के या फॉरेन ऑफिस के लोगों के, एवरेज पाकिस्तानी आपके यहाँ खाना खाने नहीं आएगा। अच्छा, इतना डर है उनको क्या, वो देखते रहते हैं उनके इंटेलिजेंस के लोग। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके रिश्तेदार यहाँ हैं, वहाँ आए हैं, तो वो फंक्शनों में मिलते रहते हैं पर इंटीमेसी नहीं है। और फिर उर्दू प्रेस बड़ा ख़िलाफ़ है हिंदुस्तान के, बहुत नवाब वक्त वगैरह बहुत ज़्यादा। और अंग्रेज़ी अखबार भी, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे गिव वेरी वन साइड न्यूज़। इफ़ यू गो टू कराची, वहाँ बड़ा फ़र्क है। नहीं, यू के हिंदुस्तान से इतने लोग गए ना वहाँ से, वहाँ है वो, उनको जो महाजिर कहते हैं दल सब उर्दू बोलते हैं। तो वहाँ जाइए तो यू हैव इंडियन एम्बेसी की बड़ी खातिर होती है वहाँ, बहुत लोग मिलने आते हैं। ये लाहौर में और इस्लामाबाद में नहीं होता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नटवर सिंह साहब, इन्होंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों की याद, अपनी सेंट स्टीफन्स कॉलेज के दिनों की याद और इनके सीनियर्स, इनके दोस्त, उनकी याद की आज हमारे साथ बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।